नमस्कार दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है क्लास 10th उसका जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, यानी कि भाई गणित। ठीक है, अब देखिए अपनी जो ये 10th की क्लास है वो रेगुलर चल रही है और जितना मेरे से मतलब कोशिश हो रही है वो सारी की सारी बीएससी की और सबका एक साथ डालना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी साथ के साथ लेके चल रहा हूँ। अब मैं आज आपका जो टॉपिक ले रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक का, है मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 9 और उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। अब देखिए आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगा एक ही, और ज्यादातर मैं आपको बड़े तौर पे करवाऊंगा और अगर थोड़े क्वेश्चन होंगे तो वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो बाद में जब आपको एक दो वीडियो डालूंगा उसमें 10 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन इन हर एक चैप्टर के मैं लेके आ जाऊंगा। अब देखिए आपको आज जो निर्देशांक ज्यामिति के मैं हर एक जो हिंट बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना और साथ ही के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब देखिए ये आपको एक ऐसे खींच लेना है, ये एक्स एक्सेस होता है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये तो आपको नॉर्मली ज्ञान होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये 0.0 जो यहाँ पे ओ बिंदु है वो उसके निर्देशांक, और इसी को हम क्या कहते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। अभी एक बार पिछली बार कहीं 9th में पूछा गया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0.0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो मैं बातें बता रहा हूं वो अपनी नोट कर लेना कॉपी में, ये हमेशा कार्तिक निर्देशांक में होते हैं, निर्देशांक ये कार्तिक निर्देशांक, जिसमें से एक्स वाला जो भी पार्ट है वो भुज कहलाएगा और वही वाई वाला वहीं पे वो कोटि कहलाएगा। समझ में आ गया। अब यहां से दूसरा एक्स को मैं ये, अब यहां से वो कह दे कि एक्स अक्ष से दूरी, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तो वो होगी वाई, दूसरा बात कह दूं वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी तो वो क्या होगी एक्स। जैसे उदाहरण लेके बता देता हूं, 2-3 है तो यहां से मैं पूछ लेता हूं एक्स अक्ष की दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी एक्स वाला नहीं वाई वाला पूरा पूरा, यानी कि एक्स अक्ष की दूरी है -3। इससे मैं पूछ लूं वाई अक्ष की दूरी तो ये वाला पूरा पूरा एक्स वाला 2। समझ में आ गया। ये तो था आपका जो नॉर्मल साइड में उतार लेने की जो चीज है वो, ये फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड चतुर्थांश थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ये आपको चतुर्थांश समझ में आ गए, चार चतुर्थांश होते हैं, चारों में बता दी। अब देखिए जीरो से एक्स अक्ष की इधर की साइड प्लस होता है, जीरो से एक्स अक्ष की उधर की साइड माइनस होता है, और जीरो के ऊपर वाली साइड प्लस होता है और जीरो के ये ऊपर नीचे वाली साइड माइनस होता है, और ये वाई के निर्देशांक होते हैं और ये वाई के निर्देशांक माइनस में होते हैं, ये एक्स के निर्देशांक होते हैं, ये एक्स के निर्देशांक माइनस में होते हैं। अब देखिए जो ये वाला निर्देशांक आएगा वो यहां पे आएगा, वो दोनों हमेशा प्लस में आएंगे, जो इधर वाले निर्देशांक आएंगे वो कहीं भी होंगे वो माइनस और प्लस आएगा, यानी कि एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, इधर जो भी निर्देशांक आएगा यहाँ पे वो दोनों ही माइनस में आएंगे क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। अब यहाँ पे जो निर्देशांक आएगा वो एक्स का प्लस में आएगा वाई का माइनस में आएगा, ये देखो वाई का माइनस में एक्स का प्लस में, जो भी यहाँ पे निर्देशांक आएंगे। ये तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन थे वो सारे कुछ बता दिए, और मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं छूटा है, फिर भी अगर छूट गया तो नीचे कमेंट कर देना मैं आपको और ज्यादा बता दूंगा। अब देखिए अब जो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, अब जो मैं बता रहा हूँ आपके ये 9th और 10th दोनों में था जो नॉर्मल टॉपिक था वो मैंने बता दिया। अब देखिए अब मैं बता रहा हूँ कक्षा 10th के लिए, कक्षा 10th के लिए जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 9th में भी है ये बात नहीं है कि नहीं है, पर देखिए अब हमेशा याद रख लेना, वो आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 2.3 ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु बी 5.6 ये दो बिंदु दे रखे हैं आपको, और ये पूछ रहा है कि के बीच की दूरी निकालनी है आपको, के बीच की दूरी। और एक बात बताना पहले भूल गया था वो, कि जब भी आपको ऐसे निर्देशांक कह दे वो
कि ये निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में है भाई, तो आप देख सकते हो इधर वाला प्लस का था, ये माइनस प्लस, तो सेकंड चतुर्थांश में है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है जो मैंने बता दिया अभी याद आए तो, क्योंकि निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, कहीं भी वो पूछे तो वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ है जिनमें से, आपको देख लेना प्लस का माइनस का। अब देखिए ये बिंदु दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि इन बिंदु के बीच की दूरी क्या है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यानी एक सूत्र बता रहा हूं, वो याद कर लेना है। क्या यहां पे याद रख लेना, ये x1, ये y1, ये x2, y2, ये वाला x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x1 y1 का है, ये x1 का है। याद रख लेना, यहां पे मत लिख देना x2 y2, x2 x2, x1 x2, y1 y2, नहीं, वो x1 का है तो यहां पे ये x2 होगा, जो अभी अगला आएगा वो x3 हो सकता है, अगला आएगा वो x4 हो सकता है। ये नहीं कि आप एक ही को एक दे दो x1 x2 x3 x4, नहीं दे सकते आप, ठीक है। ऐसे याद रखना, यही आपको यहां पे समझने की बात है। अब देखिए जो आपका वो सूत्र क्या होता है वो देखिए, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर, या आप इसी सूत्र को अपनी और भाषा में लिख सकते हो क्या भाई, अंडर रूट ऑफ भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस भुजों का अंतर। अरे भाई यही तो है भुज और ये भी तो है इसमें भुज, तो सीधा सीधा हो गया ना, भुजों का अंतर पीछे कोटि, ये भी क्या है कोटि, तो यहां पे क्या लिखोगे, कोटियों का अंतर उसका स्क्वायर और भुजों का अंतर उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ दो, फिर उसका अनुरूप निकाल दो, तो आपके उनके बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखिए मैं निकालता हूं आपके सामने, ये क्वेश्चन करके बताता हूं, अनुरूप ऑफ x2 ये माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अनुरूप ये इसमें से जाएगा तो कितने बचेंगे, तीन का स्क्वायर, ये इसमें से जाएगा तो तीन का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अनरूट, यहाँ 18 और 9। अरे भाई यहाँ दिक्कत आ जाती है बहुत सारे लड़कों को कि अब इसका तो कभी हमने अनरूट देखा ही नहीं। अरे भाई इसका अनरूट नहीं देखा तो क्या हो गया भाई, ये तो लिख सकते हो ना इसको 9 इंटू 2, ये तो लिख सकते हो, या फिर आपको 6 इंटू 3 ये भी लिख सकते हो। आप इनको ऐसे टुकड़ों में लिखिए जिसका कम से कम एक का अनरूट निकल जाए, दो ऐसे टुकड़ों को लिखिए इसमें जिसमें एक का अनरूट निकल जाए, बाकी वाला बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं देखो इसको एक को ऐसे लिख रहा हूं जिसका अनरूट निकल सकता है, नौ, नौ का वर्ग तीन, तीन का अनरूट वापस, नौ का अनरूट तीन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नौ इंटू दो अनरूट। अब मैं इसके ऊपर अनरूट लगाऊंगा, इसके ऊपर अनरूट लगाऊंगा, वो वहां पे प्लस था याद रखना, यहाँ पे गुणा है इसीलिए मैं दोनों में अलग अलग लिख सकता हूँ, प्लस में दोनों में अलग अलग नहीं लिखेंगे, पहले जोड़ेंगे बाद में अनरूट निकलेगा, और यहाँ पे गुणा है तो दोनों पे अनरूट अलग अलग लिख सकते हैं। इसका अनुरूप निकल गया तीन, ये दो का दो बच गया, तो इसका आंसर हो गया ये, यानी कि दो कोमा तीन व पांच कोमा छह बिंदुओं के बीच की दूरी तीन अनुरूप दो है। समझ में आया कैसे निकालना है, और ये बोर्ड एग्जाम में दो नंबर या तीन नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आपको शॉर्ट में कर लेना है, और बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन देगा वो, जो यहाँ पे वो लपड़ा नहीं देगा, सीधा आपको यहाँ से वो अनुरूप निकल जाएगा, ऐसी संख्या वो देगा, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन पूरी करवा देता हूं प्रश्नावली, थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन बार बार की क्या दिक्कत है। अब देखिए अब आपको इसमें जो दसवीं कक्षा है उसमें एक होता है कि दो बिंदुओं के जो विभाजन होते हैं वो अंतर विभाजन होता है एक, और एक होता है बाहरी विभाजन, बाहरी विभाजन। चलो आज आपके ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं, और कोई सा भी प्रश्न पूछे आपको वो अंत और बाहरी विभाजन में से, तो वो या तो वो अंत विभाजन वाला पूछेगा, या उसमें से एक अनुपात में पूछेगा किस अनुपात में बांट रहा है, या वो पूछेगा इनके जो निर्देशांक बताइए यानी कि ये किस अनुपात में बांट रहा है। तो जो भी आपको पूछेगा आज आपको मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, आपको याद ही नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो गारंटी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए अंत विभाजन के लिए हमेशा याद रखना प्लस, बाहरी विभाजन के लिए हमेशा याद रखना माइनस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये आपने याद रख लिया, अब देखिए सीधा सीधा अंत विभाजन के लिए क्या भाई, एम एक्स प्लस एम एक्स
बटे एम वन प्लस एम। दूसरा, बाहरी विभाजन के लिए एम एक्स एम वाई प्लस एम वाई बटे एम प्लस एम। ये तो होगा एक्स अक्ष के निर्देशांक के लिए, ये वाई अक्ष के निर्देशांक के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बाहरी विभाजन के लिए ले रहे हैं, बाहरी विभाजन के लिए क्या एम एक्स माइनस एम एक्स एम माइनस एम। दूसरा, ये तो x अक्ष के लिए आया, दूसरा एम वाई माइनस एम वाई एम माइनस एम। ये सूत्र लिखने का तरीका 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12। देख लो, आपका ये सूत्र याद हो गया और सूत्र आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12। बस ये तो आपके जो निर्देशांक है वो हो गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। -2.1 एक बिंदु है, दूसरा है 5.4 एक बिंदु और है, और ये 2.3 में अंतर विभाजन है। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक याद करना है जो ये दोनों पर्सन ही है। देख लेना आप, ये देखिए, अब ये दो बिंदु दे दिए और ये अंतर विभाजन में इसको पूछ रहा है। तो अपने को पहले इसमें ये वाले बिंदु को लिखना है x1 और y1, x2 y2। ये आपने यहां तक लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, यहां पे ये m1, ये m2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भाई, x का निर्देशांक मैं अलग निकाल रहा हूं, इस वाले को ले रहा हूं जो x के निर्देशांक आ जाएंगे, y का लूंगा तो इसका y का निर्देशांक आ जाएगा। और वही मुझे पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो इसको अंतर विभाजन में 2:3 में इन बिंदुओं को बांटता है या विभाजन करता है। तो देखिए, x के लिए m1 2 गुणा x2 5 प्लस m2 3, x1 -2 बटे इनका योग 5। ये तो हो गया x का, y का भी साथी के साथ लिख देता हूं। ये देखिए सीधा m1 2 y2 4 प्लस m2 3 y1 1 बटे 5। बस ये आपको मान फटाफट से रख देना, मैं तो आपको एक एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना इन सबको एक साथ लिखना है यहां पे फिर इसको जटाजट से देख लेना। बस अब देखिए, इनका और इनका गुणा 10, इनका गुणा -6, क्योंकि गुणा तो हो जाएगा, ये माइनस आएगा जो -6 हो जाएगा, बटे में 5। अब इनका, ये तो एक्स अक्ष का चल रहा है, ये वाई का चल रहा है। अब देखिए ये कितने भाई 4 है, हाँ 8 प्लस 3 और बटे 5, क्योंकि ये 3 इसका गुणा हो जाएगा और ये 4 है। अरे भाई y2 है, y2 4 ही है, लिखने में नहीं होगी। अब देखिए ये 10 ये 8 और इनको जोड़ेंगे और इनको ऊपर सॉल्व करेंगे, 4 बटे 5 x का निर्देशांक। दूसरा लेंगे 11 बटे 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कहीं भी आपको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये तो था आपका जो पूरा चैप्टर 9th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का। और भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं थोड़े अलग टाइप के हैं और वो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, थोड़ा सा याद आ गया मुझे, एक मिनट और ले लूंगा आपका। देखिए कि जब भी आपको ऐसे निर्देशांक इनमें से आपको विभाजन में पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो जो ये मान कह रहा है वो रख लेना है। और कभी कभी वो ये भी दे सकता है कि सीधे सीधे आपको ये x के और ये y के निर्देशांक दे देगा और वो पूछेगा कि ये किस अनुपात में विभाजन करता है बताओ, तो ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये नहीं देगा, और ये देगा, और ये पूछेगा, या फिर आपको ये तीनों दे देगा या पूछेगा, या फिर ये वाला एक बिंदु पूछ सकता है और ये और ये दोनों दे सकता है, कोई भी कैसा भी प्रश्न दे सकता है। बस आपको पैटर्न यही रखना है, आपको वहां पे जो वो मान नहीं दे रहा है उसको वहीं पे रहने दो, जैसे m1 का m1, जो नहीं दे रहा है तो x का x, सीधा सीधा जो मान सरल करते जाओ आ जाएगा। इधर उधर भेजना है वो मैंने एक बताया वीडियो में कि जब प्लस की चीज इधर जाती है तो माइनस की इधर जाती है तो प्लस की, गुणा की इधर जाती है तो भाग की इधर जाती है तो गुणा की। ये सारे कुछ मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो मैथमेटिक्स में बताया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।